राहुल गांधी ने एग्जिट पोल के नतीजों को फर्जी बताया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को फर्जी बताया है। इससे पहले भी विपक्षी दल कई बार एग्जिट पोल को फर्जी बता चुके हैं। कार्यकर्ता सतर्क और चौकन्ना रहे, ये कहना है राहुल गांधी का। कार्यकर्ता सतर्क और चौकन्ना रहे, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और वाकई महत्वपूर्ण रहेंगे भी, क्योंकि नतीजा कल आना है। साथ ही बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि दुष्प्रचार से निराश ना हो कार्यकर्ता। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पहले ही कार्यकर्ताओं के लिए यह भी कहा था, राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को फर्जी बताया। और अब राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि कार्यकर्ता निराश ना हो, जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। कार्यकर्ता सतर्क और चौकन्ना रहे, ये कहा है राहुल गांधी ने, और इस दौरान एग्जिट पोल को भी फर्जी बताया है। ट्वीट कर उन्होंने ये कहा है, ट्वीट आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है, सतर्क और चौकन्ना रहे, डरे नहीं आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, फर्जी एग्जिट पोल के दुष्प्रचार से निराश ना हो, खुद पर और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है, और ट्वीट के जरिए कार्यकर्ताओं को एग्जिट पोल के बाद जो नतीजे आए हैं उसके बाद दुष्प्रचार से निराश ना हो, ये नसीहत दी है राहुल गांधी की ओर से। ठीक कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी एक ऑडियो जारी किया था और उन्होंने भी यही अनुरोध किया था कार्यकर्ताओं से कि कार्यकर्ता अनुरोध ना हो। तो आपको बता दें, कल उन्होंने ऑडियो जारी किया था और उससे पहले भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए कहा था, और आज राहुल गांधी ने भी ये कहा है कि अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण है, सतर्क और चौकन्ना रहे, डरे नहीं आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, फर्जी एग्जिट पोल के दुष्प्रचार से निराश ना हो, खुद पर और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तो विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं, कल उन्होंने ईवीएम पे गड़बड़ी का मुद्दा जोर शोर से उठाया था।